मैं अपना काम कर रहा हूं, किसी के मर्यादा को मैं उल्लंघन नहीं करता हूं। आप देखे होंगे कि किस तरीके से लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, एक पिछड़ा का बेटा के होने के नाते किस तरीके से लोग परेशान कर रहे हैं। क्या मेरा अधिकार नहीं है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का? आज देखिए जेडीयू भी तो वहां पे चुनाव लड़े, लेकिन क्यों मैं एनडीए में रहकर जेडीयू क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़े? अगर दम है तो जेडीयू के बारे में भी बोल के दिखाए। लेकिन आज मैं कहीं ना कहीं निषाद का मल्ला का बेटा हूं, कमजोर है, इसलिए हमारे ऊपर इतना बोल रहे हैं, तो बोलने दीजिए, हम सुन रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर उसमें हैसियत है, दम है उन लोगों नेता में, तो नीतीश कुमार जी के बारे में भी बोल के दिखा दे। आज जिस तरीके से उनके एक विधायक ने बोला कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, अरे भैया तुम कौन हो? ना तुम 3 में हो ना 13 में हो, तुम ना तुम 3 में हो, तुम ना 3 में हो ना 13 में हो, तुम हमारे पार्टी का सदस्य नहीं हो, मेंबर नहीं हो, उसके बाद हमसे इस्तीफा मांग रहे हो, तुम हमारा हो कौन? तुम जिस पार्टी के हो उस पार्टी में बात करो कि पहले 325 सीट था, अभी आपने 200 कुछ सीट है, तो वहां पे आपको सीट कम हुआ, तो अपने पार्टी में डिसीजन लो कि आपके कम सीट क्यों आया, उसके लिए जवाबदेही कौन तय करेगा, उनसे इस्तीफा मांगो। आपने पंजाब में चुनाव लड़ा, पंजाब में आप सुपड़ा साफ हो गया, वहां पे डिसीजन लो कि वहां के पार्टी के कौन लोग मजबूत हैं और आपकी पार्टी में काम अच्छा नहीं किया, पंजाब चुनाव हार गए, वहां पे इस्तीफा लो। भला हमारे पार्टी में क्यों इस्तीफा ले रहे? हम तो उत्तर प्रदेश में हमारे पास 2017 में एक भी वोट नहीं था, और 2022 के चुनाव में हमारे पास लाखों वोट आया, तो ये हमारी उपलब्धि है। चुनाव नहीं जीते वो बात की बात है, लेकिन हमारी उपलब्धि है और मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग पूरे भारत में निषाद समाज को आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, झारखंड सरकार ने भी, बिहार सरकार ने भी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी, केंद्र सरकार को निषाद समाज को एससी एसटी में आरक्षण देने के लिए अनुशंसा वर्षों से करके रखे हैं, लेकिन केंद्र सरकार से ये काम नहीं हो रहा है। और समय समय पे माननीय प्रधानमंत्री से भी मैं उम्मीद करता हूँ, बात भी होता है कि आरक्षण करेंगे, लेकिन समय बीत जाता है लेकिन आरक्षण पे काम नहीं होता। तो इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं तीनों राज्य में कि 134 लोकसभा सीट है, उस पर हम 2024 में मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कुछ लोग लड़ाई लड़ते हैं हम पे राज करने के लिए, लेकिन हमारी लड़ाई जो है वो हमारी अपने लोगों को आगे बढ़ाने का, अपने वजूद को कायम रखने का, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें सत्ता में आना ही मेरा पार्टी का हमारा मकसद नहीं है, हम व्यवस्था बदलने के लिए हमारे लोगों को लिए, जो आज घर नहीं है, सड़क नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वो सब व्यवस्था करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज मैं मुंबई के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर आज हर राज्य में, अलग अलग गांव में, जिला में घूम रहा हूं, तो इसलिए नहीं घूम रहा हूं कि मुझे नेता बनना, हम अपने समाज का बेटा बन के, इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं सनत मल्ला हूँ। पूरे देश में निषाद समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लोग मुझे कहते होंगे कि ये एक जात की बात करते, लेकिन नहीं, मैं एक जात की बात नहीं करता हूँ, वो जात जो है वो मेरा अपना परिवार है, और मैं अपने परिवार के लिए बात करना कोई गुनाह नहीं है, और उसके लिए जब तक शरीर में सांस रहेगा तब तक हम निषाद समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे वो बिहार हो या झारखंड हो या उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, हम मजबूती से हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। और काशीराम जी का लाइन है कि एक इंसान को 3 बार चुनाव लड़ना चाहिए, एक बार लड़ना चाहिए उनको समझने के लिए कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, दूसरी बार लड़ना चाहिए आपको हराने के लिए, और तीसरी बार लड़ना चाहिए जीतने के लिए। तो हम लोगों ने चुनाव कैसे लड़ा जाता है वो सीख चुके हैं, अभी हम लोगों का लड़ाई है कि हराने का, और जिस रोज हारने लगता है लोग उस रोज हमें जीतने का भी मौका मिलता है। आपको पता होगा 2019 में बिहार में उपचुनाव हमने लड़ाई लड़ा, यूपीए के साथ लड़ा, हम लोग चुनाव हार गए, लेकिन 19 में ही उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में हमने मजबूती से लड़ा और वहां पे भी हमने चुनाव हार गया, लेकिन 25,000 वोट वीआईपी पार्टी को मजबूती से मिला, और हमारे वजह से वहां पे एनडीए वहां पे 15,000 वोटों से चुनाव उनको हारना पड़ा, और उनके बाद लोगों को लगा कि मेरे पास 25,000 वोट मतलब 15% वोट है। और जब 2020 का समय आया तो हम जिस तरीके से हमने गठबंधन तोड़ा, उसके बाद अकेले लड़ने का निर्णय लिया, तो हमारे पास सामने से चल के लोग आए कि आप हमसे गठबंधन कीजिए, मजबूती से आप समाज को आगे बढ़ाने का काम कीजिए, और हमने ने किसी को इन्विटेशन नहीं भेजा था कि हम आपके गठबंधन में ना आना चाहते, लोगों ने हमें हमारे ताकत को देखकर हमें बुलाए, तो इसलिए आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। वोट तो कम ज़्यादा होता ही है, चुनाव में दो ही परिणाम आता, हार या जीत, लेकिन हार से हम लोग घबराने वाले लोग नहीं है, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, मछुआरा का बेटा है, मजबूती से आगे बढ़ेंगे, और जिंदगी में हार जीत लगा रहता, और एक बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, 3री बार जीतेंगे, जिस तरीके से बिहार में हमने 2 बार हारा लेकिन 3री बार तो हारे,
और जीते, और हमारी लड़ाई तो इतनी शानदार होता है कि हम हारने के बाद भी बिहार में देखिए मंत्री बन गए, क्योंकि हमने इतने बड़े प्लेटफॉर्म बनाया है कि हमारे हारने के बाद भी हम मंत्री बने, हमारे वजह से सरकार है। तो ये जिंदगी में लगा रहता, आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सीट के कारण केंद्र में सरकार गिर गया, लेकिन आज देश में सरकार उनके हैं। एक समय उनके दो भी सांसद होते थे, आज कितना है। तो जिंदगी में हार जीत होता है। कभी इंदिरा गांधी के बारे में आप सुने होंगे, 440 सीट के साथ देश में सरकार चलाती थी, आज उनका पार्टी का क्या हाल है। तो ये देश में परिवर्तन होते रहता है। जो कांटा घड़ी का 12 पे है उसको 6 पे आना है, और जो 6 पे है उसको 12 पे जाना तय है। सिर्फ उसके लिए आपको मजबूती से लड़ाई लड़ना है। धन्यवाद। अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने संगठन पार्टी को मजबूत करना है, और अभी समय है, 2 साल का समय है, चुनाव होने का 2024 का चुनाव में 2 साल समय है, और उस समय में डिसीजन लिया जाएगा कि किनके साथ राजनीति करना है। फिलहाल तो अभी अपने संगठन को पार्टी को मजबूत करना है।